बिहार की पूर्णिया सीट पर अब मुकाबला आरजेडी बनाम कांग्रेस का होता दिख रहा है। एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। कैसी जंग होगी यह तो तय है, अगर जंग होगी दिलचस्प होगी। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पूर्णिया से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ताजा कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की पेशानी पर बल ला दिए हैं, क्योंकि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत आरजेडी के खाते में गई है और आरजेडी ने यहां से जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पहले से ही मैदान में उतारा हुआ है। जबकि कांग्रेस के पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव के मुताबिक इस बार पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी फ्रेंडली फाइट करेंगी और 4 जून को पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएगा, जबकि पप्पू यादव के फैसले को आरजेडी ने व्यक्तिगत बताया। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। कि बिहार में जो है चौंकाने वाले जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। आप लोग देखिए, महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और 5ों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद से ही पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखने लगा है, क्योंकि आरजेडी ने उनके फैसले को कांग्रेस का अंदरूनी मसला बताया है। वहीं बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच आपस में फाइट होने की आशंका के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस की चुटकी ली। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो है वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है, राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब गठबंधन का हिस्सा और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। किस पे तरस खाए भारतीय जनता पार्टी, किस पे तरस खाए, पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए हैं और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है, कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। साफ है पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के बीच में ही फाइट होने वाली है, जबकि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव से ठीक पहले पशुपति पारस ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए साफ कर दिया कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। कल तक सोशल साइड एक्स से मोदी परिवार शब्द हटाने वाले पारस ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट पर बायो चेंज कर खुद को मोदी का परिवार फिर से लिख दिया। पशुपति पारस ने चुनाव में एनडीए को सभी बिहार की 40 सीटें मिलने का दावा भी किया। पशुपति पारस के इस स्टैंड से एनडीए को चुनाव में मजबूती मिलेगी। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच तलखी बढ़ी। एनडीए की सीट शेयरिंग में पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में पारस ने 19 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार शब्द भी हटा दिया। ऐसा लगा कि पशुपति पारस एनडीए को सबक सिखाएंगे। चुनावी मैदान में उतरने तक की बात कही जा रही थी, आरजेडी के साथ तक जाने की बात होने लगी थी,
पर ठीक 11 दिन बाद शनिवार को पारस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, मैं एनडीए का हिस्सा हूं और पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। यही नहीं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर फिर से पशुपति पारस ने अपने बायो भी बदल लिए। लिखा, मोदी का परिवार। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने शुक्रवार को ही गठबंधन के लिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पारस महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, पर पारस के लिए सीटों का ऐसा खेल दोनों ही गठबंधन में हुआ कि पारस के लिए कोई चारा नहीं बचा। शायद इसीलिए पारस खुद को एनडीए का घटक बताते हुए पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। चुनाव में बिहार की 40 सीटें एनडीए को मिलने तक का दावा कर रहे हैं। जाहिर है, चुनाव से पहले पारस के रुख से एनडीए और मजबूत होगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लौट कर तुरंत आते हैं। मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आप विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और विपक्ष पे एक्शन से बीजेपी जीत जाएगी। सर, आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा, जो सरगना वहां पर अपने नशा के कारोबार को संभालता था। अब ये सरकार जो है पाब्लो एस्कोबार की तरह चलाने वाले दिल्ली के अंदर बैठकर धमकी तंत्र जो है, ये धमकी तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से चुनाव करवाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से धमकाना चाहते हैं। पहले कहेंगे तुम भ्रष्टाचारी हो, फिर अपने में लेकर आएंगे, भैया इस प्यार का क्या नाम दोगे आप लोग। ये सारा का सारा चंदा उनके पास आता है, मेरा चंदा चंदा, तुम्हारा चंदा धंधा, ये सात्विक चंदा हो जाता है क्या, बताइए इनका। अरे आप अपने पाप का हिसाब दीजिए, दूसरों के पाप मत गिनवाइए। आप पुतिन की तरह रशिया बनाना चाहते हो इसको, आप नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो देश को, जहां पर आप किसी को लड़ना ही ना दो। अरे लड़ो ना, अपने विचारों के साथ में लड़ो, खुलेआम बेईमानी पे आते हो।